ये पढ़ा आपने, एक आदमी को बीच सड़क पे धक्का मार के गिरा दिया, उसका सारा सामान लूट लिया बीच सड़क पे, और सब के सब तमाशा देख रहे थे। कुछ नहीं होने वाला इस देश का। ये पढ़िए, दिन दहाड़े एक दुकानदार को उसी की दुकान के सामने गोली मार दी। अच्छा आखिर हम लोग सरकार चुनते किस लिए, किस लिए टैक्स देते हैं? सही बात कहा, बिल्कुल सही बात कहा। ये बैठे बैठे 500 और 1000 का नोट खारिज कर दिया है, ये भी नहीं सोचा कि आम आदमी को कितनी प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सही कहा ना अंकल, एक मिनट बिस्कुट देना। क्या रे तेरा स्कूल नहीं है आज, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? वो आज रिजल्ट है ना, तो मतलब पूरे साल जो तूने टाइम पास किया है उसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो इतना परेशान का है, तेरा रिजल्ट तो सबको पता ही है, फेल तो तुझे होना ही है। चल भाग यहां से, जा जा बाद में देना। ये सुनिए, लोगों ने 500 और 1000 की गड्डी पानी में बहा दी। लो कर लो बात, इससे बढ़िया किसी गरीब को खाना खिला देते, किसी बीमार का इलाज करवा देते। अरे हम इंडियंस की यही प्रॉब्लम, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, बस सबको तमाशा देखना है। एकदम सही कहा आपने, सबको बस तमाशा ही देखना है। क्या रे क्या हुआ तेरा रिजल्ट? पास की फेल? फेल हो गया ना। ये तो होना ही था। अरे दिन भर बाहर घूमता रहता है, क्रिकेट खेलता रहता है, फेल तो होगा ही। ये आजकल के बच्चे जरा सी भी अकल नहीं। अरे तुम्हारे मम्मी पापा दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इन लोगों को आवारा गर्दी से फुर्सत नहीं है। अब भुगतो, जाओ टीवी पे MTV स्टार टीवी देखो, अपने मम्मी पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया ना। जा भागो यहां से। जाने दो भाई साहब, बच्चा है। अरे हमको तो स्कूल में पीट पीट के पढ़ाते थे, और इनको देखो, एक बार टीचर छड़ी दिखा दे तो सीधा कोर्ट केस कर देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, आपकी भी पिटाई हुई थी क्या बचपन में? चलो एक कप चाय और दो, अब हो गया ना एक साल बर्बाद, अब चल भाग यहां से। क्या हुआ भाई साहब आज इतना चुपचाप? आज अखबार में कुछ छपा नहीं का? अरे क्या बताएं भैया, अब तो मन दुखी हो गया, रोज रोज वही बकवास। अब ये सुनिए, आसाम में बीच सड़क पे एक लड़की को गुंडों ने अगवा कर लिया, उसके कपड़े उतार दिए, और सब चुपचाप देखते रहे। भैया कुछ नहीं होने वाला इस देश का, ये देश सिर्फ तमाशा देखने वालों का है और कुछ नहीं। सही कहा आपने भैया। भैया आपने कुछ खबर सुनी है? कैसी खबर? अरे अपना वो जो मिश्रा जी का लड़का है ना। कौन मिश्रा जी? अरे वही जो रोजाना बिस्किट खाने आता था, अपनी क्लास में फेल हो गया था। अच्छा वो? उसने आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ भैया सुनते हैं, बड़ा दुखी था बेचारा फेल होने के बाद। सही कहा था आपने, यहां पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सबको बस तमाशा ही देखना है।